डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने ब्रह्मपुर ब्लॉक के 4 विद्यालयों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि ब्रह्मपुर ब्लॉक के 4 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें पहला विद्यालय प्राइमरी स्कूल विशुनपुरा, कंपोजिट विद्यालय विशुनपुरा, प्राइमरी विद्यालय गोपालपुर, प्राइमरी विद्यालय डुमरी का निरीक्षण किया गया। विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई को चेक किया गया। MDM के तहत भोजन की गुणवत्ता को चेक किया गया। साफ सफाई, शौचालय, बाथरूम को चेक किया गया। इसके अलावा अध्यापकों की उपस्थिति, बच्चों की उपस्थिति को भी चेक किया गया, तथा कंपोजिट गांव में जो धनराशि आती है उनको किन चीज़ों में खर्च किया गया है उसको भी चेक किया गया। उन्होंने बताया कि एक विद्यालय में मेन्यू से हटकर भोजन बनाकर छात्रों में वितरित किया गया, एक विद्यालय में किचन नहीं था तथा एक विद्यालय में टीचर उपस्थित नहीं थे, जिसको देखते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, हम लोगों के द्वारा आज ब्रह्मपुर ब्लॉक के 4 विद्यालय का निरीक्षण किया गया। पहला विद्यालय था प्राइमरी स्कूल विशुनपुरा, उसके बाद हम लोगों ने कंपोजिट विद्यालय विशुनपुरा, फिर प्राइमरी विद्यालय गोपालपुर और
प्राइमरी विद्यालय डुमरी का निरीक्षण किया। वहाँ पर सभी तरह के कार्यों का निरीक्षण करना था, पठन पाठन से लेकर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है उसकी उसका निरीक्षण करना था। उसके अलावा क्या MDM में खाना की जो क्वालिटी है वो किस तरह की है, उसके अलावा जो किचन सेट उपलब्ध है या नहीं है, साफ़ सफाई क्या व्यवस्था है, टॉयलेट की क्या व्यवस्था है, और बच्चे उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, टीचर सबसे इम्पोर्टेंट कि अध्यापक उपस्थित है या नहीं है, तो इन सब चीज़ों पर हम लोगों ने जाँच करी थी। प्लस जो कंपोजिट ग्रांट में जो धनराशि आती है उसका किस तरह से खर्च हो रहा है, सारी चीज़ों पर जांच करनी थी। उसके आधार पर हम लोगों ने जो विद्यालय में जांच किया उसमें कुछ कुछ एक जगह हमने ये पाया कि प्राथमिक विद्यालय विशनपुरा में पाया कि जो तय मानक के अनुसार कल रोटी और सब्जी बननी थी पर उसकी जगह पर तहरी लोगों को मतलब बच्चों को सर्व किया जा रहा था, उसके लिए हमने लिख दिया, उसके नोटिस उनको सर्व किया जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कि जो मेन्यू था मेन्यू के अनुसार भोजन क्यों नहीं दिया गया, और किचन सेट नहीं था प्राथमिक विद्यालय विशनपुरा में, तो प्रधान जी को निर्देशित किया गया है कि धनराशि की उपलब्धता के आधार पर सचिव को बताया गया कि किचन अगर बन सकता है तो निर्माण कराया जाए। और जो कंपोजिट विद्यालय विशनपुरा है वहाँ पर हैंडपम्प और ये हैंडपम्प सही था परंतु समरसेबल ख़राब था जो UPPCL द्वारा लगाया गया, तो उनको बताया गया है कि UPPCL को निर्देशित किया गया कि वो अपना जो समरसेबल है उसको सही कराएं। स्टूडेंट की उपस्थिति थोड़ी कम थी तो बताया गया कि जीवतिया होने की वजह से स्टूडेंट की उपस्थिति कम थी, टीचर 3 एबसेंट थे पर यह बताया गया कि टीचर के एबसेंट होने का कारण यह है कि वो BRC में निपुण भारत की ट्रेनिंग गए थे और ज़्यादातर टीचर प्रेजेंट थे, मे बी उनको पता लग गया हो कि हमारे आने का हो जो भी है, पर टीचर ज़्यादातर प्रेजेंट थे। और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक था, कुछ कुछ जगह पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 जगह ध्वस्तीकरण के लिए स्कूल का अतिरिक्त कक्ष गए हुए थे, वो अभी तक ध्वस्तीकरण नहीं हुआ, उसके लिए मेरे बारे में मैंने अपने बेसिक साहब से बात कर दी कि जो भी ध्वस्तीकरण का प्रोसेस को तेज करा करके वहाँ ध्वस्तीकरण कराया जाए। और एक जगह और किचन का प्रॉब्लम था तो वहाँ पे ये बताया गया कि किचन का निर्माण कराया जाए, दिव्यांग शौचालय कहीं नहीं थे, वहाँ पे प्रधान जी और सचिवों को निर्देशित किया गया कि इसकी उपलब्धता धन की उपलब्धता के आधार पर और दिव्यांग शौचालय का भी निर्माण कराया जाए, खासतौर से वहाँ जहाँ कम से कम 1 दिव्यांग बच्चे हैं।